खबर बतावा आपने जोधपुर नगर निगम महापौर चुनावों जुड़ी उड़ी। आज महापौर चुनाव हुई हो जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगह आज नुआ महापौर चुनी गया। नगर निगम चुनाव में बात सबों पहला नगर निगम उत्तर ही करा तो अठे कांग्रेसी पार्षद और भाजपा रा पार्षद अठ वोट देवण हारू पहुँचा। भाजपा का 19 पार्षद 8 निर्दलीय है और दूजड़ा कांग्रेस का पार्षद अठ वोट देवण पहुँचा। वोट के दौरान अठे खासी सुरक्षा व्यवस्था ही पुलिस की घनी व्यवस्था ही अठे कांग्रेस री नेता मनीषा पंवार महेंद्र बिश्नोई राजेंद्र सोलंकी और बीरे बाद में माँ महेंद्र जी चौधरी जगह जोधपुर का प्रभारी मंत्री है वह भी अठे पहुँचा। इरे अलावा 8 निर्दलीय जगह हा वे भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करियो और कांग्रेस री कुंती देवड़ा जो है जोधपुर नगर निगम उत्तर री महापौर बनी माने 61 वोट मिलिया। तो भाजपा री जकी दूजोड़ी उम्मीदवार ही डॉक्टर संगीता सोलंकी माने 19 वोट मिलिया, कुंती देवड़ा ने 61 वोट मिलिया। हवा 3 बजिया जो है पदभार ग्रहण को टाइम रखियोड़ो हो हवा 3 बजिया पदभार ग्रहण करियो कुंती देवड़ा। इस दौरान कांग्रेस रा हंगलाई नेता बैठे मौजूद रिया, हंगलाई कुंती देवड़ा रो मुंडो मीठो करायो और बाने पद माते बैठाया यानी बाने सीट माते बैठाया। आप देख सको कि अगर एक दूसरे को मुंह मीठो करान बधाई दी और अठे जो कुंती देवड़ा हंगाने बात करता बतायो कि हेर को विकास अठे की जगह छोटी छोटी समस्या है बामारी प्राथमिकता रहला। 51 किलारी माला भी बाने फेराई, देख सको आपके कार्यकर्ता 51 किलारी बाने माला फेरा दिया है। कार्यकर्ता में बड़ो जोश और नारेबाजी करी, अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा लगाया। अबे बात करा नगर निगम दक्षिण री, अठे भाजपा कने बहुमत हो और भाजपा री मेयर बनी वनिता सेठ। वनिता सेठ ने टोटल 45 वोट मिलिया, भाजपा ने उम्मीद ही कि 46 मिलता लेकिन एक क्रॉस वोट हुई हो यानी एक वोट भाजपा ने वोट नहीं देन बन कांग्रेस वाला ने वोट दियो। कांग्रेस री पूजा पारिक ने 35 वोट मिले। वनिता सेठ अठू महापौर बनी है नगर निगम दक्षिणों। वनिता सेठ ने पदभार ग्रहण करने की टाइम भी भाजपा रा जो दूजोड़ा नेता है वह अठे मौजूद रिया। आप देख सको राजेंद्र गहलोत ही में दिखे है और भी कई नेता है। चुनाव जीतने के बाद में विक्ट्री को निशान बतायो हाँ और जो है एक अच्छी जीत आ ठूंदा जो मिली ही। चुनाव जी टाइम परिणाम घोषित हुआ उन टाइम ये स्पष्ट हो गया हो कि दक्षिण में जो है भाजपा को वोट बनेला लेकिन कांग्रेस को प्लान बी हो वो खासो चर्चा को विषय बनीड़ो हो कि कांग्रेस कटी क्रॉस वोटिंग नहीं करवा दे यानी कांग्रेस के पक्ष में जो है मतदान नहीं हो जाए तो भाजपा ने खासो डर हो। लेकिन भाजपा की विनीता सेठ जो है बैठूँ जीत गई, एक क्रॉस वोट कोई फर्क नहीं पड़ियो, 41 चाहिए हा जटे 45 वोट मिलिया। पचे विनीता सेठ अठू एक बार तो गया पचे मोहरत देख पाछा आया और आपको पदभार ग्रहण करियो। वनिता सेठ भी जो है दावो करियो कि हेर की छोटा छोटा विकास का कार्य है बीमारी प्राथमिकता रहला, हेर का लोग जो है बाने चुनाव में इतना वोट दिया बांगी उम्मीदा माते खरो उतरनो बांगी प्राथमिकता रहला। एक और बात खास ही कि आज जगह भाजपा का पार्षद जो अठे वोट देवण आया बहंग एक ड्रेस कोड में आया यानी महिला जगह पार्षद ही बा सबा जो है केसरी रंगी साड़ी पहरियोड़ी ही तो जका दूजोड़ा मोटियार जका हा बाई सापो पहरियोड़ो होन धोड़ा चोड़ा पैजामा पहरियोड़ा हा तो एक ड्रेस कोड आर वास्ते अठे बनाएड़ो हो और भी ड्रेस कोड हुई अठे पहुँचिया। अब आप देख सको कि कीकर विनीता सेठ ने जो है जीत को प्रमाण पत्र अठे निर्वाचन अधिकारी दे है बीर बाद में तालियां बजाए। प्रसन्न चंद मेहता जी है, देवेंद्र जोशी जी है, राजेंद्र गहलोत जी है और घनश्याम ओझा जी आरकने उबा है और भाजपा का दूजा भी नेता जो है आरकने उबा। तो एक भाजपा की अच्छी जीत अठे देखने मिली। तो जोधपुर की बात करा तो उत्तर और दक्षिण दोनों ही महापौर बनी, दोनों ही महिला महापौर बनी यानी हैर में अबे दोनों ही महापौर महिला है उत्तर और दक्षिण में और ए अबे हैर ने चलावेला। आरे काई विजन है, आरे काई योजना है, आरे मन में काई है हैर विकास ने लेन आज जब बात करी तो बतायो है। आप हेंगू पहला सुनो कुंती देवड़ा जी ने और मेरे बाद में माँ वनिता सेठ जी ने जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे ये आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे सभी पार्षदों का जिन्होंने मेरे पर भरोसा किया और मैं खड़ा उतरूंगी और जो जनता मेरे से अपेक्षाएं रखती है वो उनकी सारी अपेक्षाओं को मैं पूर्ण करूंगी। किस तरह की प्राथमिकता आप सोचती है नगर निगम उत्तर को लेकर?
जो मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है और जो समस्याएं यहाँ हैं, हम कोशिश करेंगे उनको पूर्ण करें और कई नई योजनाएं भी हम लाने की कोशिश करेंगे। चुनौतियाँ क्या क्या है आपके सामने? इससे पहले भाजपा का वोट था, कई बिखराव भी आया होगा आपकी नजर में, कई ऐसे काम भी थे जो नहीं हुए, करना चाहिए वो आपके अंडर में है? बिल्कुल, जो समस्याएं हैं यहाँ पे और जो चुनौतियां हैं, हम सभी चुनौतियों का सामना बड़ी मजबूती से करेंगे सभी पार्षद मिलकर। आपकी नजर में समस्याएं क्या क्या है उत्तर की बड़ी? नई समस्याएं हैं, धीरे धीरे आप इन सबसे अवगत करा दिया जाएगा। शहर में सबसे पहली प्राथमिकता सफाई अभियान की है कि स्वच्छता सफाई हो उसकी रहेगी, और बाकी जो भी मेरे पूर्व महापौर ने जितने भी काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप तो महापौर बन गई हैं लेकिन स्टेट में गवर्नमेंट अलग है, तो क्या चुनौती है? देखिए, चुनौती अगर है भी तो ये उनका भी गृह जिला है और राजस्थान से अलग जिला नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी अगर कुछ करेंगे भी तो उनको पहले ये सोचना पड़ेगा कि जोधपुर उनका गृह जिला है। जीत का श्रेय किसे देते हैं? पूरे संगठन को। दिल्ली में सरकार एक भी काम यहाँ के MP भारत सरकार में मंत्री रहे, एक भी काम ऐसा जो मील का पत्थर साबित हो वो बता दे, जिससे जनता उनको वोट देने का आधार बनाए। जो भी जोधपुर में हुआ वह स्वजनों साथ की जान रही है, जनता सब जानती है कि 3 साल राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार है, जोधपुर में विकास की गंगा को आगे बढ़ाना है, सब जानते हैं। इसलिए जोधपुर की जनता ने जो फैसला लिया वह सोच समझ कर ये फैसला हुआ है। मंत्री जी, कैसे देखते आप इसको? और आपने जब अभी जैसे सोलंकी साहब ने बताया, जिस प्रकार से पहले इसको स्मार्ट सिटी बनाने का था, जोधपुर को लिया नहीं गया था, जिनकी कांग्रेस का BJP सरकार का ही वोट था, नगर निगम में था, ऊपर इसको राजस्थान में भी सरकार इनकी थी, और जोधपुर के साथ नाइन साहब ने भी इसका जवाब दिया है, तो जोधपुर वासियों ने इसका जवाब दिया। हमें महापौर बन रहा है कुंती जी देवड़ा, और बहुत खुशी की ये बात है कि जनता ने कांग्रेस को सराहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री जी हमेशा विकास को महत्व देते हैं, और कोरोना काल में जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशील तरीके से लोगों की मदद की, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझ चुके हैं कि सरकार कांग्रेस की है, 3 साल हमें कांग्रेस के साथ रहना है, और इसी तरह हमें बहुमत मिला, और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम किस तरह विकास की राह पर चलें। सुनो जी, कैसे